economics is connected to violence because if we give women empowerment jobs people will respect you a little bit more kyun because they won't be as scared as they'll be a little bit more like you know fear that that okay ye is independent so can i control her no kuch jagah pe khawatin ko itni zyada awareness di nahi gayi kyunki awareness hoti to mujhe lagta hai as a society is stage pe aate hi nahi even 20 years ठीक है ट्वेंटी ईयर्स मैंने मैंने मारपीट खाई अपनी मी से कितने मैंने कभी कुछ नहीं बोली क्यों? बिकॉज मैंने कहा था ठीक है वो अच्छा बाप है अच्छा बाप है मेरे बेटे को कोई साया मिलेगा कितने फिर, फिर एक दिन मेरा बेटे ने मुझे मारना शुरू कर मेरा ख्याल सोशल मीडिया का भी बहुत ज्यादा इम्पेक्ट है इसके अंदर अगर आप नोटिस करें तो जो पहले वाली हमसे जनरेशन थी वो थोड़ी सी वोकल थी इस बारे में उनके पास टाइम था वो आपस में घूम फिर लेते थे बात कर लेते थे जैसे मुझे याद है हम बचपन में द बिगेस्ट एग्जाम्पल जो हम ट्रेनिंग देते हैं कम्युनिटीज में हम बात करते हैं लोग जो कहते इधर औरत का काम है घर को संभालना बंदियों को मैं चाहता हूँ आप अवेयरनेस दें कि उनके लिए क्या क्या लॉज मौजूद है इन चीजों के बारे में असलम एंड हेलो एवरी वन उम्मीद आप सब खैरियत से हैं आज फिर हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पे हम तीन चार दिनों से बात कर रहे हैं वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जैसे मैं लास्ट थ्री पॉडकास्ट में मैंने एक ही बात की है कि जब तक हम वेमेन को इंक्लूड नहीं करते अपनी इकोनॉमी के अंदर आप लोग या हम लोग एज अ नेशन ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिकली दैट्स नॉट पॉसिबल अगर आप मैथ्स मैथ्स आप सब जानते हो पॉसिबल नहीं है कि आप इतना बड़ा सेक्टर फिफ्टी लोगों को आप मेन स्ट्रीम से थोड़ा साइड पर रखो तो उसी चीज़ पे हम बात करेंगे बल्कि आज आज हम बहुत सी नए टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं क्योंकि आज की गेस्ट जो हैं उनका डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया हुआ है उन्होंने इस्लाम मोफोबिया पे भी काम किया हुआ है लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो मेनली कंसर्न जो होगा वो वेमेन एम्पावरमेंट से लिंक जितना उन्होंने काम किया हुआ है हम उस उस रिलेटेड उनसे बात करेंगे जो आज की गेस्ट हैं उनकी बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं इस काम में शी इज ए जर्नलिस्ट और वो राइटर भी हैं उनकी बहुत सी जो आर्टिकल्स uh, हैं वो पब्लिश हुए हैं बहुत से डिफरेंट मैगजीन में जिसमें एक ब्राउन गर्ल मैगजीन है न्यूयॉर्क पोस्ट मैगजीन है इस तरह तो बाकी अब हम उनसे बात करेंगे इस बारे में आयशा कमर yeah. कैसी हैं आप ठीक हो आप सबसे पहले थैंक यू फॉर कमिंग आई नो इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट सो बट बट थैंक यू सो मच आई एफर्ट आपको सिर्फ विद In two days thank <laughs> तो no, thank you you so so much much no for having me um, I I really appreciate थैंक यू सो मच फॉर टू बीयर एंड सबसे बात करने में भी मुझे खुशी होगी आज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसकी वजह से आई थिंक जितने भी लोग इसके बारे में सोचते हैं इसके बारे में बात करते हैं more and more awareness is important बिकॉज लाइक यू सर हमारे कंट्री पाकिस्तान का है दैट जब तक हम अपने वुमेन को एम्पावर नहीं करेंगे औरतों को एम्पावर नहीं करेंगे कुछ हो नहीं सकता हम That's पीछे true. रहेंगे That's true. अच्छा आयशा अपने बारे में कुछ बताइए कि आपकी बैकग्राउंड क्या है और आप क्या करते हो थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए जी अच्छा तो आई ऑज़ बॉन एंड रेज इन न्यू सो एम फ्राम न्यू जर्जी माई फैमिली इज़ फ्राम पाकिस्तान मेरा बुलहौर से है मेरी कराची से हैं तो बचपन से मैं पाकिस्तान जाती रहती हूँ um, उसके अलावा uh, so um, मैं करियर वाइज़ आई आ रीड लॉ एंड पॉलिसी सो आई स्टाड ऑफ मेरे इरादे थे जब मैं लॉयर बनूँगी मैं वकील बन के कॉरपोरेट uh, में काम करूँगी फिर आहिस्ता आहस्ता जब मैं वॉल्टियर कर रही थी मैंने एक एक साल के लिए वॉल्टियर किया था एक काम uh, शल्टर में जहाँ पर uh, जो औरतें अंग्रेज़ी नहीं बोलती बस उर्दू पंजाबी और हिंदी बोलती हैं वो रहती हैं वहाँ पर उसके बाद uh, Couldn't turn back. I ended up working there for about four years. Mujhe ta pasand aaya tha that my policy mein kam kani shuru thi to advocate for women who apne apne ap aavaz nahi kar in the sense that they couldn't speak up for themselves, um, and often in oroton ka masla tha that it wasn't that they weren't educated, it wasn't that vache khandaan se nahi thi. Masla hota tha that unko dar tha that maasha kya kya तो मैं इन इन औरतों के साथ मैंने काम किया था तकरीबन पाँच साल के लिए फिर चार साल पहले मैंने जर्नलिज्म में काम करना शुरू कर दिया तो इनसेड ऑफ वर्किंग डायरेक्टली विथ पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दीज इश्यूज़ मैंने सोचा दैट मैं इन इश्यूज़ के बारे में लिखती हूँ ताकि जो अफेक्ट हो रहे हैं उनकी स्टोरी बता सकूँ लोगों को पता चले दैट ये क्या क्या हो रहा है और आप क्या कर सकते हो उनको हेल्प करने के लिए सही आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है इस इस टॉपिक के ऊपर और मैं, मुझे मैंने आपके बारे में पढ़ा भी आपने बहुत सी ट्रांजिशन है आपने बहुत ज़्यादा काम किया मैं अच्छा ये जो आप जिन औरतों की बात कर रहे थे दे आर फ्रॉम पाकिस्तान मेनली पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका एंड इंडिया मगर मैं जो काम करती थी ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया के साथ काम करती थी और जो औरतें ज़्यादातर पंजाबी या उर्दू बोलती थी तो मैं पंजाबी बोलती नहीं आ, मगर मसला था हमारे जो इलाका है जर्सी में बहुत पंजाबी लोग हैं मगर वो इंटरप्रेटर्स नहीं होते जो पंजाबी बोलते हैं ज़्यादातर क्या होता है स्टेट में जो लोग टेस्ट लेते हैं इंटरप्रेटर बनने के लिए वो ज़्यादातर उर्दू या हिंदी बोलते हैं तो मिसाइल आ जाते हैं तो जो लोग पंजाबी बोलते हैं उनके लिए कोई है नहीं तो इसकी वजह से ज़्यादातर जो मेरे क्लाइंट्स थे वो पंजाबी थे बिकॉज मुझे पंजाबी समझ आती है मगर बोलने में मेरी टूटी पजी लाइक like, <laughs> <भुणी> पंजाबी <है। laughs> तो इस इतनी पैरी पंजाबी है मगर होता था अदर समझ तो आती थी तो आगे से मैं उर्दू बोलती थी उनके साथ और वो पंजाबी बोलते थे एंड ज़्यादातर मैं हॉटलाइन पे काम करती थी तो यू एस में एक है 24 फोर आवर हॉटलाइन उसका नाम है मानवी तो मानवी का मतलब सहेली तो लोग क्या करते थे इस नंबर को कॉल करते थे जब वो अकेले होते थे और उनको कोई फर्ज कर आप अपनी दोस्त को नहीं बता सकते अदर आपको कुछ हो रहा है अदर आपके साथ अब्यूज़ हो रहा है आप डरते हो मैं अपनी दोस्त को बताऊँगी खानदान को बताऊँगी लोग क्या कहेंगे तो लोग ये नंबर को कॉल करते थे और जो भी पूरा दिन वो कोई होता है फ़ोन पर तो मैं काम करती थी उस हॉटलाइन पे और लोग मुझे फ़ोन करके बताते थे दर ये मेरे साथ हो रहा है मैं क्या कर सकती हूँ अपनी सिचुएशन ख़त्म लाइक निकलने के लिए तो ज़्यादातर मैं क्या करती थी मेरा रोल था दैट मैं उनके लीगल पेपर वर्क को देखती थी देखती थी उनकी लीगल ऑप्शन क्या है तो आ, मैं वकील तो नहीं हूँ मगर मुझे समझ आती है तो मैं उनको उनके साथ कंपनीमेंट्स करती थी दैट मैं उनके साथ मिलके या फ़ोन पे लॉयर से बात करते थे और मैं देखती थी ये आपके लीगल ऑप्शनज है आप इमिग्रेशन वाइज़ क्या कर सकते हैं यार होता था एक दूसरा मेरा रोल था एम्पावरमेंट का तो मैं करती थी क्लासेस करती थी अपने रज कैसे आप सेक कर सकते हो आपकी स्किल्स क्या हैं जो तो आप ये स्किल्स लेके इन पर मोनिटाइज कर सकते हो फ़र्ज़ करो आपको um, सीना बहुत अच्छा आता है ठीक है लाइक यू नो हर एस सो आप क्या कर सकते हो दर्जी का काम कर सकते हो आप ऑल्ट्रेशन कर सकते हो कम्यूनिटी में यार ज्यादातर ये होता था और आप एजुकेशन का सबसे ज्यादा होता था दर आप शायद एजुकेटेड हो मगर आपने कभी करियर का देखा है या नहीं मेरा आई थिंक सबसे ज्यादा लोग सोचते हैं दैट दर... ये औरतें जो होंगी ये बेचारी होती हैं लोग ये कहते हैं और बेचारी है उसको कोई एजुकेशन नहीं है अनपर होगी पर ये नहीं सोचते दर्ट कभी कभार होता है आप जितना भी पढ़ लो फिर भी आप ऐसी सिचुएशन में आ सकते हो बिकॉज आपको पता नहीं है आप शायद आप किसी से शादी कर रहे हो आपके ख़ानदान ज़्यादातर मसला होता था मैं देखती थी दर लोग शादी कर लेते थे वो इसकी वजह से क्यों बिकॉज वो ख़ानदान को जानते थे मगर लड़की को नहीं जानते तो फ़र्ज़ करें आप शादी कर ले किसी से जो कोई कहता अमरीका में सेटल हो लड़का ऐसी शादी कर लो आ, फिर क्या होगा दर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी मगर ये नहीं सोचते दर शायद उस लड़की की कोई और लाइफ है जो माँ बाप जानते नहीं हैं पाकिस्तान में तो असूलन क्या होता था दर मैं ये इन औरतों के साथ काम करती थी जो ऑफिन उनका कोई होता नहीं था वो पूरी यहाँ पे हैं घर यहाँ पे हैं मगर उनकी पूरी ख़ानदान पाकिस्तान में है और वो डरते हैं दर शायद दर वो शादी वो तलाक ले ले तो क्या होगा दर वो वो पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा और यहाँ पे मसला ये सबसे ज़्यादा होता है तो आपका बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है और आप फिर भी सिटीजन ना हो ना तो फर्ज करो आपका तलाक हो जाए बच्चा तो यहाँ रहेगा आप पाकिस्तान चले गए तो फिर इस मसले में क्या होता है दैट माँ दूर हो जाती है ना बच्चे से तो उनको ये हेल्प चाहिए होती है दर मैं कैसे नेविगेट करूँ ये सिस्टम और लोग ये सोचते हैं ज़्यादातर मेरा सबसे ज्यादा मेरी डिफिकल्टी होती थी ते लोग मुझे देख के कहते हैं अच्छा ये तो बच्ची लगती है खुद ही ये कैसे मुझे हेल्प करेगी आगे से ही वो दूसरा मसला था दैट कम्यूनिटी कहती थी तरह आप शादी तुरवा रही हो ये क्यों करियो ये नहीं सोचते दर शायद किसी के बच्चे होंगे और बच्चा ये चीज़ देख के मेंटली टॉर्चर होगा दर मेरी माँ को ऐसे फील हो रहा है लोग ज़्यादातर सोचते थे दर अच्छा देखो कम्युनिटी में कैसे लगेगा किसी की डिवोर्स हो गया ये तो बुरी बात है ये नहीं सोचते दर क्या क्या उस बंदे के साथ हो रहा है घर की नहीं था अब लोग ये नहीं देखते दर आपके सामने अब, अब ऐसे अब्यूज हो रहा है तो आपकी पीठ पीछे क्या हो होता होगा um, तो ज़्यादातर मेरा काम यह होता था दर मैं फ़ोन पे बहुत बात करती थी औरतों के साथ जो डरती थी मिलने में तो अब से तकरीबन दो तीन घंटे दिन में मैं फ़ोन पे बात करती थी फिर बाकी दिन मैं कोर्ट का या मेडिकल कम्प्लीमेंट्स करती थी जो कभी कभार होता था दर कोई हॉस्पिटल में पहुंच जाए और उसके पास कोई नहीं है उसको हेल्प करने के लिए तो अब जा मैं जाती हूँ और उस दिन के लिए मैं उसकी दोस्त बनती हूँ तो मैं पटेंड करती हूँ मैं उस बंदे को जानती हूँ तो उसका हाथ पकड़ती हूँ उसके अपॉइंटमेंट के वक्त यार ये देखती थी तो एवेंचुअली ये काम ने मुझे भी मेंटली मुझे अफेक्ट होना शुरू हो गया था तो मैंने कहा था मैंने ये काम आउटसाइड ऑफ जस्ट वर्किंग डायरेक्टली विद द विदेन वट कैन आई डू टू ब्रिंग मोर अवेयरनेस एंड वो था ज़्यादातर गो टेल देयर स्टोरीज तो मैं लिखने शुरू कर लिया था मैंने दैट Uh, like, you know, ऐसे केसेस होते हैं ये स्टिस्टिक्स क्या हैं लोग क्या कर सकते हैं टू मेक अ डिफरेंस टू मेक श्योर दैट ऑल दिस इज़ कनेक्टेड रिकनॉमिक्स इज़ कनेक्टेड टू वायलेंस बिकॉज इफ़ वी गिव वुमेन एम्पावरमेंट जैसे आपने कहा है उनको जॉब्स मिले पीपल विल रिस्पेक्ट यू लर उन्ट बी एज केयर एज बी लर उ जाता है दैट ओके ये औरत इंडिपेंडेंट है तो

उससे होता ही है कि मुझे बड़ा सीखने को मिलता है जैसे आप बातें कर रहे हो तो मैं एक्चुअली साथ साथ वो विजुलाइज कर रहा हूँ कि एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम्स हैं कितने आप बड़े प्रॉब्लम्स hmm. बता रहे हो आप और मैं उस पर उसके बारे में सोच भी रहा हूँ और साथ साथ मेरा जहन इस तरह से yeah. चलता है तो इट्स गुड कि आप बात कर रहे हो मुझे मतलब आपने इसमें बहुत सी बातें की हैं इस हम हर टॉपिक पे इतनी लंबी बात कर सकते हैं जैसे अगर पाकिस्तान में मुझे अनफॉर्चुनेटली जो एक प्रॉब्लम मुझे लगती है क्या हम लोग एहतराम नहीं करते एक दूसरे की राय का ख़्वाहिश का पसंद का नापसंद का हम लोग इतना ज़्यादा एज ए कम्यूनिटी एक दूसरे की जिंदगियों में घुस चुके हैं कि हमें सब को जानना है इसकी ज़िंदगी में क्या है वो क्या रही है, वो कर रही है वो क्यों कर रही है क्यों नहीं कर रही डाइवोर्स हुई है क्या हुआ होगा मतलब तो वो इतना ज़्यादा हम एक दूसरे की ज़िंदगी में घुस चुके हैं कि जो आपकी एज एन इंडिविजुअल लाइफ है वो एग्ज़िस्ट नहीं करती स्पेशली फॉर वेमेन जैसे जब शादी होती है तो सैडली मुझे लगता है कि हम लोगों को लगता है कि बस अब उसकी जो पिछली ज़िंदगी थी ख़त्म एज़ एन इंडिविजअल ख़त्म अब जो होगा वो नया होगा और वो ऐसा मुझे लगता है दैट्स दैट्स वेरी वेरी रॉन्ग कितनी गलत बातों पर मैं बात करूँ लेकिन पॉइंट ये है कि जब तक हम और एज ए फैमिली जब हम अपनी बहन बेटियों को उस तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे कि उनके साथ उनकी ख़्वाहिशात का एहतराम नहीं करेंगे पसंद नापसंद का एहतराम नहीं करेंगे और स्पेशली जब उन्हें सपोर्ट की मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जरूरत होती है शादी के बाद क्योंकि नॉर्मली बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो शादी के बाद बस बैक ऑफ कर जाती हैं पेरेंट्स कहते हैं अब जीना मरना आपका उधर ही है वो फिर बेचारी इतना डर जाती है कि उसके साथ जब वायलेंस हो कुछ भी हो वो उस बारे में बात ही नहीं करती और सैडली एक डर है उनके जेनों में शायद बिठा दिया गया है गैस बिठा दिया गया है कि भाई डायवोर्स होगी तो पता नहीं क्या होगा ठीक है जबकि मुझे लगता है कि आपको इस्लाम ने इस बात का राइट दिया है इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर लाइफ आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसमें आपकी बेसिक जो ह्यूमन राइट्स आपके वो वायलेट हो रहे हैं तो फिर आई गेस दैट्स ऑन इशू राइट अगर अल्लाह ताला ने आपको इसीलिए आख हाँ दिया है ना कि यार कोई आप पे जुल्म करी जा रहा है तो आपका ये काम तो नहीं है बर्दाश्त करना आपके पास अल्लाह ने आपको एजुकेशन दी है आपको अवेयरनेस दी है आपका काम है आप उस पर बात करो और आप उस पर जो जो एक्शन ले सकते हो और वो लेने भी चाहिए और दूसरा जो लैंग्वेज पे मैं एक आने लगा था कि लैंग्वेज पे बल्कि आप मुझे बताइएगा अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने लैंग्वेज़ को इतना ज़्यादा सीरियस इस सेंस में ले लिया है कि हम ये जो मज़ाक बनाने वाला एलिमेंट है या बहुत से लोग हैं जैसे हम अभी उर्दू में बात कर रहे हैं हमारी उर्दू फंसेगी भी आपकी फंसेगी भी तो लोग पूरे एक घंटे की वीडियो छोड़ के ना उस ट्रॉल वाले एलिमेंट पे आ जाएंगे भाई ये एक वर्ड आगे पीछे हो गया और ये इतना सेंसिटिव बात इस सेंस में है कि भाई Uh, जब आप बात करते हो ऑबियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे लेकिन जब मैं एक नई लैंग्वेज बोल रहा हूँ तो आपको अप्रीशिएट करना चाहिए राइट लेकिन लोग हम कंडेम उससे होता ही है कि आपकी बहुत सी बातें हैं जो आपके दिल में रह जाती हैं और वो आपके खुल के बाहर नहीं आती तो आई गेस हम एज अ सोसाइटी हम इन चीज़ों पर काम करना चाहिए बल्कि आप मुझे बताइएगा इस पर क्या चल रहा है कि हम लोगों जो हमारे दिल में बातें हैं वो बाहर नहीं आ पाती जैसे आपने उन, आप, आप, उन वेमन के साथ आपका बहुत सी आ, बात हुई होगी आपने काम किया होगा उनके दिलों में आपको लगता था कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो दिले में ही है दिलों में ही है और वो शेयर भी नहीं करती हैं और उस पर थोड़ा मुझे बताइएगा आई थिंक ज्यादातर मुझे सबसे ज्यादा एग्जाम्पल मेन एग्जाम्पल आई थिंक वर्ड हुआ है मेरा ये होता है दैट आउ उन्हें उठा कि मेरा लैंग्वेज जो लोग ड्रॉल करते हैं बचपन से मेरा है दैट मुझे घोड़ा और घोड़ा तरीके से नहीं बोला आता दै जीज मैं से नहीं बोलते से तो जब मैं बोलती थी अच्छा लाइक था वो ये घोड़ा है मैं क्या वो लोग हंसते थे कहते थे, थे जानवर है लाइक तो इन द सेम सेंस जब अंग्रेजी की बात आती है जैसे हम मैं स्ट्रगल करती हूँ कभी कर बार उर्दू में बात करने में लोग अंग्रेजी में बात करने स्ट्रगल करते हैं लोग ये नहीं सोचते सेम इंट आर सेकेंड लैंग्वेज है मुश्किल होता है तो आई नो दैट मैंने एक दफ़ा किसी क्लाइंट से काम करी थी और उसका केस में मसला ये आ गया था दैट उसका जो इंटरप्रटर था इंटरप्रटर पंजाबी स्पीकिंग था वो उर्दू स्पीकिंग थी और आ, एक केस में जब गालियाँ आई थी ना तो कभी कभार क्या एक एक गाली जब कहता है ना कोई साली कहता है वो क्या सिस्टर इन लॉ होता है मगर सिस्टर लॉ ओवेज नहीं होता ना <laughs> तो ये मसला था किसी ने गाली दी फिर आगे से इंटरप्रेटर ने बोल दिया वो कह रहा सिस्टर इन लॉ तो जज ने आगे से बोला सिस्टर इन लॉ तो कोई बुरी बात तो नहीं है बोलना मगर पूरा केस के डायनेमिक्स तो चेंज हो गए क्यों बिकॉज गाली बोलना और बोली किसी को सिस्टर लॉ बोलना वेरी डिफरेंट वेरी डिफरेंट है ना तो आगे से मेरा ये मैंने बहुत देखता था तो लोग डरते भी थे क्यों बिकॉज ये डरते थे मैं किसी को बताऊंगी आदमी मेरे साथ ये हो रहा है आगे से मैं डिस्क्राइब कैसे कर सकती हूँ लैंग्वेज लैंग्वेज के अलावा लैंग्वेज एक्सेस के अलावा सबसे मुश्किल बात होती थी जो होता था अंडरस्टैंडिंग क्यों बिकॉज जब लोग जाते हैं फ़र्ज करें आप किसी के पास जाओ मैं तो पाकिस्तानी खुद ही हूँ ना तो मुझे अंडरस्टैंड आता है मुझे डायनेमिक्स कल्चर डायनेमिक्स आते हैं दर हमारे खानदानों में क्या होता है सब कुछ कहते ना नहीं कुछ नहीं पता हो खानदान में बातें नहीं तो नब जब दूसरे लोग होते हैं लेट्स आप अमेरिका में आए हुए हो कोई थेरेपिस्ट के पास जाओ शायद कोई थेरेपिस्ट बोले आप बस उससे बात करना बंद कर दो उसको ये नहीं है अंडरस्टैंडिंग होती दरा हम तो सब लोग के साथ रहते हैं उनके यहाँ होता ना आप बस छोड़ के चले जाओ कोई बात नहीं क्यों उनके साथ ले रहे हो ऐसा क्या मसला है और हमारा कल्चर डायनामिक डिफरेंट है तो ज़्यादातर मैंने देखा होता था जो औरतें हमारे पास आती थी उस कम्यूनिटी में उनका होता था वो दो तीन दफ़ा उनके ठोकरे होते थे तो किसी से जाके वो दे rejected गेट रिजेक्टेड आई इफ नोकर इज द राइट वर्ड बर होता था दैट उन्हें यू नो लाइक वो जाते थे हेल्प के लिए और उनको हेल्प नहीं मिलती थी क्यों बिकॉज लोग उनको देख के कहते थे अच्छा तुम्हारा कल्चर ही ऐसा है तुम्हारा कल्चर खराब है तो ये तो आम बात है तुम क्यों नहीं सह सकती ये नहीं सो, तो ये स्टेडियो की वजह से उनका एंड में होता था वो इतनी डिफीटेड होती थी जब तक तक हमारे पास आती थी उनका आखिरी ऑप्शन हो, होता था कहती कि कितनी दर हाँ, हाँ, हमें ऐसे फील होता था आप हमें हेल्प नहीं कर सकेंगे तो हमारे पास कोई नहीं है यहाँ पे अमेरिकन हमें हेल्प नहीं कर सकते पाकिस्तानियाँ हेल्प नहीं कर सकते तो हमारे पास कोई नहीं है। आगे से आप जैसे आप कह रहे थे ये मसला होता है लोग जब शादियाँ कर लेते हैं उनका ये डर होता है दर मैं अपना घर कैसे जाऊँगी मेरे तो दरवाजे बंद हो गए हैं और इसकी वजह से द आइडिया होता है दैट सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्यों बिकॉज ऑफ मैंने जो देखा हुआ इट्स कॉल द डबल बाइंड ठीक है लोग ये सोचते हैं दैट हमारा जो अब्यूज़ हो रहा है इट्स नॉट एज बैड एज गोइंग बैक एंड शोइंग माई फेस ये सोचते हैं दैट अब्यूज इतना बुरा जितना भी बुरा अब्यूज़ होगा वो डरते हैं दैर हम शक्ल क्या दिखाएंगे घर जाके तलाक लेके करज़ हमारा ये मसा आप के कह रहे थे ना लोग हर बंदे ने हमारे लाइफ में घुसना तो है मैं मदद नहीं करनी आ, मदद नहीं है। बात करनी है ये ये तंग करेंगे शादी कब हो रही है शादी कब हो रही है मगर रिश्ता नहीं दिखाएंगे फिर फिर आगे से बात होगी जब शादी हो जाएगी बच्चा कब हो रहा है मगर ये नहीं सोचेंगे दट शायद कोई बच्चा के लिए ट्राई कर रहा है या आपको कैसे पता दर किसी के दिल में क्या है दश शायद कोई कि क्या लोग आगे से बोल देंगे अच्छा तुम्हें तो बच्चे नहीं पैदा करें तुम अपनी बॉडी के बारे में इतना केयर करते हो ये नहीं सोचते शायद किसी ने मिस हो गया किसी का ये हो गया इतने हमारा टॉपिक्स होती हैं द लोग इतने इनसेंसिटिव हैं वो दूसरों के बारे में सोचते नहीं हैं दिस ऑल कम्स टुगेदर इन अ सर्कल साइकिल है ना दैट जब तक हम ये साइकिल तोड़ेंगे नहीं एक चीज़ को सॉल्व नहीं करेंगे बाकी चीज़ें तो जड़ें चलती जाएंगी That's... जब तक रूट पे काटोगे नहीं कितनी बुरी ऑल दिस बैड हैबिट्स दिस टॉक्सिसिटी हॉबिट्स आप पूरे रूट से जड़े नहीं निकालेंगे ना तब तक ये चलता रहेगा अगर हमारे खानदान लोग कहेंगे हमारा कल्चर ही ऐसा नहीं कल्चर ऐसा नहीं है कल्चर को सही करना है हमने वी हैव टू चेंज इट बिकॉज एंड में क्या होता है इस्लाम ऐसा तो नहीं है मगर yeah. हमारे कल्चर क्यों ऐसा है फिर ऐसे कैसे हम कैसे अपने आप को बोल रहे हैं दर हम इस्लाम को फॉलो करते हैं मगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं लाइक लोग क्या करते हैं इस्लाम से जो छोटी छोटी चीज़ें निकालते कहते हैं ये नहीं सोचते दैट कोई मर्द लिबास होता है राइट आपका आप अपने आप अपने मियाँ और बी मियाँ और बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं लोग ये नहीं सोचते मगर ये सोचते हैं दर अच्छा कुरान में लिखा हुआ है दर मियाँ का ऊपर हाथ है औरत का ये इस पर फोकस करते हैं और ये भी नहीं है बस मैं ये बोल दूँगा आई नो दिस इज़ अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट पर हाँ मर्द भी फेस करते हैं अब्यूज़ मैं ये बोलूंगी दैट मैन ऑल्सो डू फेस अब्यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्यूज़ वो दूसरा टॉपिक है मगर एंड में है हमारा है दैट मर्द को फिर भी हमारे कम्यूनिटी में है तो उसके पास सोर्सेज है रिसोर्सेज हैं लोग सपोर्ट करेंगे मगर जो औरत होती है अनफॉर्चुनेटली औरतों का होता है और हमारा है हमारा जनरेशन तो चेंज हो रहा है फिर भी मगर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जो औरतें पहले हमारी हमारी मदर्स उनका है मसा पता नहीं उनका होता है कॉम्प्रोमाइज़ 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 सिखाए हुए मगर कॉम्प्रोमाइज़ का ये मतलब नहीं है तो ज़िंदा लाश बन जाओ और आई थिंक हमारा सबसे ज़्यादा मैंने ये देखा है दैट दे, हमारी एक दो औरतें मैं एक दफ़ा किसी औरत आजाद जो लोग हॉटलाइन कॉल करते हैं ना देर टू थिंग्स आधर कोई हॉटलाइन कॉल करता है और पहली कॉल में सब कुछ बता देता है दैट्स यूजअली बिकॉज होता है दैट मीन्स वो बंदा एक, एक्सपोज नहीं होगा दूसरे एक्सपीरियंसेस से क्यों बिकॉज दैट उस बंदे का पहली दफ़ा है किसी को बताने में तो सब कुछ बाहर निकल जाता है अब सेकेंड सिनेरियो है इस बंदे ने किसी इस औरत ने कितनी दफ़ा लोगों को फ़ोन किया है लोगों ने उसको सीरियसली नहीं, नहीं लिया कितने वापस चले जाओ तो अब इस वक्त पूरी बंद हो चुकी है तो क्या होगा मुझे फ़ोन करेगी और उसका पहली दफ़ा फ़ोन कॉल होगा मुझे ये डिटेक्ट करना पड़ता है क्या क्या हो रहा है पहली दफ़ा फ़ोन कॉल होगा दैट अच्छा मेरी एक दोस्त है उसके साथ ये हो रहा है मैं अपनी दोस्त को क्या बताऊँ फिर आहिस्ता आहिस्ता होता है अच्छा तुम्हारी दोस्त को तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए दैट ये अच्छी बात नहीं है यू you नो know, तुम अपनी दोस्त को बताओ दैट वो अकेली नहीं है सबसे पहले ये करो फिर नेक्स्ट टाइम फोन आएगा अच्छा मैंने अपनी दोस्त को ये बोला मेरी दोस्त डरती है दैट ये मैं ऐसे फोन करूंगी तो मैं क्या क्या होगा किसी को पता चलेगा तो क्या तुम्हें कहता अच्छा ये सोचो दैट एंड में वह बंदा आपके घर में रह रहा है जो बातें कर रहा है नहीं वो आपको हेल्प कर रहा है नहीं वो आपकी आपकी um, तनख्वाह आपकी लेकर आ रहा है आपको पैसे दे है खाने के लिए नहीं जब आप इस बंदे पे डिपेंडेंट नहीं हो उसकी बातें क्यों सुन रहे हो इन द सेंस दैट ये जो आंटी है मस, म, मस्जिद में आपको ये बता रही है दैट अपने हस्बैंड को ना छोड़ो तो तो ये ये बात नहीं है हस्बैंड की छोड़ने की भी यू कैन स्टिल स्टे विद समवन बट बिल्ड दैट इफ होता ना दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्यूज़ सम अब्यूज आई वो सी इज़ रिफॉर्मेटिव यू कैन टॉक टू समाइक फर्ज करें किसी की इलाज तंग करें ना ठीक है अब आप अपने हस्बैंड को बता सकते हो दैट मुझे ये फील हो रहा है राइट मुझे मुझे आई डोंट लाइक आपके आ, आपका खानदान मुझे बहुत बुरा ट्रीट करा है प्लीज आप उनसे बात करो तो शायद अब यूज़ खत्म हो जाए ठीक है ऐसा होता है जो बहुत से नीडियोज हैं जो लोग कहते हैं उनको पता नहीं होता दैट किसी के और ये लोग फोर मैंने इतनी दफ़ा सुना हुआ लोग कहते हैं औरतों में मसला है को लोग मैंने एक दफ़ा किसी ने मुझे कहा था क्या औरत भाभी बनती है औरत माँ बनती है और औरत सास बनती है तो इनमें पूरा औरत नंद बनती है तो औरत के तो औरत औरत को तंग करती है कहता तई ये क्यों नहीं सोचते जब मर्द एक दिन कुछ कहेगा मेरी बीवी को अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये क्यों नहीं सोचते दर शायद आपकी माँ को सपोर्ट चाहिए शायद आपकी माँ इतने सालों से अब्यूज़ फेस करी है तो उसको कुछ आता नहीं है उसको उस लगता है बस मुझे ये कंटिन्यू करना है तो अपनी माँ को सपोर्ट करोगे अपनी माँ को बोलोगे दर आई केयर करते हो और हमारे आई थिंक कल्चर में ये भी मसला है दैट लोग अफेक्शनेट नहीं है ना हम बताते नहीं है कैसे हाउ वी फील तो इफ़ हम अप, दूसरे से नहीं बताते एक्सप्रेस like, नहीं करते तो हाउ यू एक्सप्रेस टू स्ट्रेंजर ट्रेंज दर मेरे साथ ये हो रहा है जब आपके पास वो रिलेशनशिप है नहीं और होता है ना अपने बा, माँ बाप से बात नहीं कर सकते अब लोग अब आजकल आई थिंक जनरेशन चेंज हो रही है मगर फर्स्ट को अपनी माँ को आपने कभी हग नहीं किया पूरी ज़िंदगी फिर आपके साथ जब ये मसलिस मसायल होगे आप कैसे अपनी माँ को बताओगे दर मेरे साथ ये तो हो, हो रहा है जब आपने कभी हैप्पीनेस एक्सप्रेस नहीं की आप सैडनेस दुख जब दुख दुखी, दुखी होगे कैसे पता होगे किसी को तब तो मैं दुखी हूँ जब आपने खुशी कभी नहीं पता ही अपनी दैट्स दैट्स ट्रू और और एक्सप्रेशन वाली बात को तो हम इस एंगल से भी देख सकते हैं कि नॉर्मली अब जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं आ, इसमें दो तीन आ, एंगल्स आते हैं कि नॉर्मली अगर तो आपकी राय का अहतराम नहीं किया जाता तो आप एक्सप्रेस भी नहीं करते लाइक like, अगर मैं मुझे आ, मेरी राय है कि मुझे ये काम करना है या मेरी राय है मुझे ये काम नहीं करना और अगर मुझे वहीं शर्टअप कॉल दे दी जाए कि भाई बात तो वो आहस्ता आहिस्ता आपकी वो जो एक्सप्रेशन वाली वो जो साइड है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है फिर अगर आपकी पसंद नापसंद को ये इसलिए ज़रूरी है कि आपकी सोसाइटी के अंदर डिफ्रेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए hmm. वो बहुत जरूरी होता है हेल्दी के लिए मैं अक्सर सोचता हूं कि हम एज सोसाइटी बेहतर हो रहे हैं या हमारा डिक्लाइन आ रहा है और मुझे अक्सर मैं देखता हूं कि अनफॉर्चुनेटली हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं एज ए कि जैसे अब अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को उठाओ किसी डिपार्टमेंट को उठाओ किसी गवर्नमेंट इदारे को उठाओ यार हमारे अंदर वो ख़त्म ही हो गया है कि हमने किसी के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना है कि अगर किसी की भी राय हो सकती है भाई वो आपके अगेंस्ट भी हो सकती है हमें अगर आपकी राय मेरे साथ है तो फिर तो आई एम ओके विद दैट राइट अगर आप मुझसे कुछ चीज में अगेंस्ट जाते हो किसी भी चीज़ में और फिर आपको वो बात पसंद नहीं आती और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना ज़रूरी है एक सोसाइटी के अंदर ग्रो करने के लिए और अगर आप इसको कहीं भी इम्प्लीमेंट कर लो एक फैमिली के अंदर अगर कोई अगेंस्ट किसी डिसीजन के नहीं जाता तो आप फैमिली इम्प्रूव कैसे करेगी इसी तरह अगर मियाँ बीवी हैं तो मियाँ बिया बीवी एक दूसरे की बातों से डिसग्री कर सकते हैं और डिसअग्री करना एक बड़ी अच्छी बात है और डेमोक्रेसी का हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी का हुसन है तो आ, इसमें बहुत से एंगल्स जा आ जाते हैं कि वही आप वाली बात कि जब इतना ज़्यादा हम पे प्रेशर इस सेंस में होगा किसी भी तरह से तो फिर हम उसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे मतलब और, और फिर इसको मेरा ख़्याल सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है इसके अंदर कि अगर आप नोटिस करें तो जो पहले वाली हमसे जनरेशन थी वो थोड़ी सी वोकल थी इस बारे में उनके पास टाइम था वो आपस में घूम फिर लेते थे बात कर लेते थे जैसे मुझे याद है हम बचपन में ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज करते थे अब हमारा ज्यादातर टाइम फ़ोन के साथ गुजरता है पूरा दिन हम फोन पे हैं तो वो हमारी जो इंटरेक्शन है ना वो कंपेरेटिवली कम होती जा रही है तो जब मैं आपसे इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा मतलब अगर आप नोटिस करो एक कमरे में चार लोग बैठे हैं चारों अपने अपने फोन पे हैं तो जब वो इंटरेक्शन ही नहीं है तो एक्सप्रेस कैसे होगा मतलब hmm. अगर मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा मैं हम अपने पे हैं, फिर कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो तो बात ही नहीं पॉसिबल तो इसीलिए मुझे लगता है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा मुझे एक और चीज बताइएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस को यूएस के लॉज कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट वो डिफरेंट 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 लॉज है

लोगों से बात करती थी बिकॉज मेरा खुद ही बैकग्राउंड ऐसा ही है है? है अब US laws में ये अच्छी बात क्या होता है? That first करे कोई वायलेंस वॉन्ट यू इन द सेम स्पेस एज मी मैं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकती हूं अब मुश्किल बात है जब आपको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिलेगा तो ये बहुत अच्छी बात है मगर लेने में वो मुश्किल है क्यों स्टेट बाय स्टेट लॉ होती है दो फेडरल लॉज हैं हमारे फिर स्टेट बाय स्टेट लॉज हैं तो हर स्टेट का डिफरेंट लॉ है फिर आगे से फेडरली भी एक लॉ है तो फेडरली हमारा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट में था दैट हमारी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल था मगर एट द सेम टाइम हमारी कम्यूनिटी को हार्म करता था क्यों बिकॉज मैंने ये देखा था दर हमारी कम्युनिटी बोलती नहीं है अब इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर दिस वीज़ा आपको डॉक्यूमेंटेड वायलेंस चाहिए सो so फ़र्ज करें आपने मैंने एक केस था मेरा ऐसा दस साल से इस औरत ने मारपीट खाई है ठीक है दस साल से इतनी बुरी मारपीट खाई है मगर उसने कभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया या जब डॉक्टर को जाती थी कहती थी मैं बस गिर गई हूँ उसने कभी पुलिस को नहीं फ़ोन किया क्यों आशम इनगी से कहती थी, थी मैं डरती थी मेरा कोई मियाँ लेके चले जाएगा मैं क्या करूँगी ना तो डिपेंडेंट थी अब इसमें मसला क्या हो गया दैट फाइनली जब उसके बेटे बेटा बड़ा हो गया तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया दैट मेरा बेटा बड़ा हो गया मेरे पास सपोर्ट है मैं जाती हूँ जाके अब जब वो फाइल करने गई अब ये मसला हो गया दैट कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था तो उसको उसको ने कहा था दैट आपको डिवोर्स तो मिल सकता है मगर वो अभी तक डिपेंडेंट वीज़ा में थे क्यों बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो लोग वर्किंग वीज़ा पे होते हैं इट्स नॉट दैट हमें फ़ोरन मिल जाता है पाकिस्तानियों को थोड़ा आसान है इंडियन के मुकाबले में मगर फिर भी साल लगते हैं इट्स डिफ़िकल्ट इमिग्रेशन प्रोसेस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी डॉक्यूमेंटेड तो उसका मुझा उसका मुश्किल हो गया था दैट उसके हस्बैंड तो उसका हस्बैंड के पास वर्किंग वीज़ा था वो डिपेंडेंट वीज़ा पे थी ना डिपेंडेंट वीज़ा में र सो मनी डिफरेंट इशूज विथ इमिग्रेशन अब अब पहली इशू हमारी होगी है दट शी इज नॉट शी इज नॉट अटीजन ठीक है अब नाउल सेकेंड इशू है उसका हजबेंड सिटीजन नहीं है तो शी कुन गेट ग्रीन कार्ड थ्रू हेम ही इज ऑन एज वन ठीक है तो शी इज ऑन एज वन इज ऑन अ वर्किंग वीजा शी इज ऑन एज फर एज फोर एन लेस यू हैव ऑथोराइजेशन यू के नॉट ड्राइव यू के नॉट वर्क तो क्या हो गया आप पूरी डिपेंडेंट हो ना अपने इस पे अब घर पे रह गया हो अब ये इशू हो गया तो ना अब वावा एक्ट है दैट दे गिव यू यू कैन गेट सिटीजनशिप पर वावा एक्ट में था दैट आपको लिमिटेड नंबर था वो साल में लेट से दस हजार दे देते ठीक है दस हजार देते हैं दस हजार देते हैं उसका प्रोसेस इतना मुश्किल था दैट यू हैव टू प्लान अड अब इससे अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है क्यों अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ यूर प्लानिंग यू हैव हैव टू दैट अवेयरनेस दैट ओके मुझे डॉक्यूमेंट करना है बिकॉज आप डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे ना यू डोंट क्वालिफाई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का भी ये मसला है मैं सच पता हूँ मेरे पास एक स्टॉकर था एक पॉइंट पे आई को गेट गेरा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर वाई बिकॉज उस बंदे ने मुझे थ्रेटन नहीं किया था लाइफ मुझे फॉलो करता था मेरी बिल्डिंग में आ जाता था मगर ही नेवर थ्रेटन मी फिज़िकली आई हैड नो प्रूफ इवन मुझे फ़ोन कर रहा है डिफरेंट नंबर से तो पुलिस में जब पुलिस के पास गई उन्हें कहा इस बंदे ने कभी तुम्हें कहा नहीं मैं तुम्हें मार डालूंगा तो उसकी वजह से यू डोंट ख्वाफ आई अव रिस्ट्रोनिंग ऑर्डर इफ यू गैर आवर स्ट्रेनिंग ऑर्डर वो आपकी पूरी जिंदगी के लिए एक सम स्टेट्स में दस साल तक रहता है तो दस साल के लिए आप प्रोटेक्टेड हो मगर गेरिंग नैट इज़ वेरी हार्ड एंड देट्स वाई पीपल कम टू मानवी दे कम टू सखी दे कम टू अपना घर ऑल दीज पाकिस्तानी एंड इंडियन एजेंसीज बिकॉज ये एजेंसीज आपको एजुकेट करते हैं उनके पास वकील होते हैं जो एजुकेट करते हैं अदर आपको कैसे और हम हम एक्चुअली हमने शुरू किया है दैट लोग अब अब ड्रामों में आ चुके हैं आई लव दैट लोग कहते हैं अब ड्रामों में इतने पोलिटिकल हो गए हैं मगर अच्छी बात है क्यों बिकॉज जब कोई अपने घर में है उसको कोई अवेयरनेस नहीं है दैट फर्ज करो मैं ये करूँ मेरे पास ये हो रहा है मेरे साथ में किसके पास जाऊँगी दे हैव नो आउटरीच अब जब ड्रामे में उनको नजर आ रहा है दर ये औरत ने देखा है किसी आई थिंक कोई एक्ट्रेस भी थी मैं जी यार उसका नाम क्या था उसने किसी एक्टर की बीवी थी जिसने डॉक्यूमेंट किया था वो लिख रही थी तस तस्वीरें ले रही थी अपनी जब उसको मारपीट हो रही थी तो क्या हुआ एंड में शी टू टेक एक्शन सालों की तस्वीरें थी अब फ़र्ज़ करें आपने ये इतने सालों से ये नहीं किया ठीक है एंड में जब आप स्पीक आउट करोगे यू डोंट हैव द एविडेंस एंड ये मुश्किल होता है दैट यू एस लॉज में दे आर वेरी गुड लॉज टू प्रोटेक्ट वुमेन बट द प्रोसेस इज एक्सक्यूशियटिंग तो इसकी वजह से पीपल लाइक मी और आई वर्क एज एन एडवोकेट आई कम इन टू प्ले दैन बिकॉज मैं जाती थी औरतों के साथ कोर्ट में जाती थी पहले हम देखते थे, थे इंटरप्रटर का तो ये देर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स सो मनी ऑब्स्टिकल्स फॉर वुमेन इट्स सो सैड पहले होता है इमिग्रेशन की प्रॉब्लम सेकेंड होता है लैंग्वेज का अब फर्स्ट करो यू मेड इट थ्रू द प्रोसेस आपने डॉक्यूमेंट कर लिया आपने सारी तस्वीरें ले ली है आप डॉक्टर के पास भी के हो आपने डॉक्टर को बता दिया देर मेरे साथ अब यूज हो रहा है अब आप कोर्ट में पहुंच गए हो अब कोर्ट में पहुंच गए हो फर्स्ट करो आपको आपको इंग्लिश आती होगी मगर लीगल जार्गिन जो है ना अंग्रेजियों को भी नहीं आती कभी कभार क्यों बिकॉज आपके पास जब लीगल बैकग्राउंड नहीं है ना आपको क्या पता कौन सी लॉ आपको हेल्प करेगी बिकॉज आपको बैकग्राउंड चाहिए तो इसलिए लोग इंटरप्रेटर्स देते हैं तो कोर्ट में है इंटरप्रेटर्स अब यह मुश्किल है तो जो मेरी स्पेसिफिकली जॉब थी मैं जाके इंटरप्रेटर्स को ऑडिट करती थी क्यों तो लोग होते थे जो कहते हैं वो इंटरप्रेटर का एग्जाम लेते थे और फ़र्ज करो आपके पास आपका कोर्ट कैसे एक घंटे में तो आपको वो कोर्ट कहता है एक घंटे में हिंदी इंटरप्रेटर आ जाएगी मगर उर्दू इंटरप्रेटर जो है ना वीन घंटे में आएगी तो आपको क्या कोई बात नहीं मुझे उर्दू आती है हिंदी भी आ जाएगी मैं बॉलीवुड तो देखती हूँ बट लोग ये नहीं सोचते जो ये इंटरप्रटर है वो शुद्ध हिंदी बोलती है तो आधा से ज़्यादा समझ नहीं आएगी अतः आप जब कॉन्वर्सेशनली हिंदी में बात करोगे वो तो समझ आ जाती है हमें ठीक है मगर जब कोई शुद्ध हिंदी बोलता है तो उसके अल्फाज इल्फा, इतने डिफरेंट होते हैं तो कभी कभार पता नहीं चल रहा और आगे से उस बंदी को शायद आपकी समझ नहीं आई और ये भी प्रॉब्लम होता है कभी कभार हमारे जो इंटरप्रटर होते थे ना वो मर्द होते थे और वो क्या करते थे एक मैंने एक दफ़ा इंटरप्रेटर को देखा था वो बिल्कुल नहीं बोल रहा था जो औरत बोल रही है वो बंदे की साइड ले लिया था तो मैंने आगे से कहा एंड में मैंने उसको जब हमारी ब्रेक हुई थी मैंने कहा था आप तरीके से इंटरप्रेट नहीं करें और आगे जो कोर्ट जो कोर्ट है वो जज को तो आता नहीं है ना तो उसको कभी पता नहीं चलता तो मैं मुझे बोला हम आप पूरी तरीके से आप इंटरप्रेट नहीं करें ये क्यों आप करें कहते हैं इनके दो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा फिर मैंने कहा आप ये नहीं समझते आप सोच हैं बच्चों का क्या होगा दर बच्चे छोटे छोटे हैं उनको बाप नहीं होगा आप ये नहीं सोचते बाप बाप का सहाय नहीं होगा ये नहीं सोचते दर इन कभी कभार होता है दर बच्चे मैंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं अब नॉर्मल हो जाते हैं क्यों बिकॉज वो जब देखते हैं बाप अपनी माँ को मारता मा, मारता रह रहा है उनको तकलीफ़ नहीं होती तो मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है लोग सोचते हैं दर ये छोटा सा बच्चा उसको समझ नहीं आएगी नहीं होता है दो साल तक बच्चे को समझ आती है तो उसकी मारपीट हो रही है उसकी माँ की और एक दफ़ा मैंने देखा था मेरे एक केस था जितना रोना आया था मैं एक औरत आई थी मेरे पास कहते मैंने तकरीबन ट्वेंटी ईयर्स ठीक है ट्वेंटी ईयर्स मैंने मैंने मारपीट खाई अपनी मीँ से कहते मैंने कभी कुछ नहीं बोली क्यों बिकॉज मैंने कहा था ठीक है वो अच्छा बाप है अच्छा बाप है मेरे बेटे को कोई साया मिलेगा कितनी फिर फिर एक दिन मेरा बेटे ने मुझे मारना शुरू कर दिया कितनी फिर मैं पूरी पूरी टूट गई तब तो पहले बाप करता था अब मेरा बा हस्बैंड जब चला गया वो काम पे गया अब मेरा बेटा ने शुरू कर दिया दर बेटा कहता आपने मेरे लिए काम नहीं किया आपने मुझे ये सॉकर प्रैक्टिस भी नहीं छोड़ा तो बेटा मानने शुरू करता इतनी अफसोस की बात है कि लोग सोचते नहीं हैं दर ऐसे ये सीखते हैं लोग तो आजकल आई वुड से अच्छी एक बात है दर आजकल कल कमर्शल्स में मैंने एक डॉन का आई थिंक डॉन था या किसी सो ब्रांड का कमर्शल देखा था जिसमें उसने दिखाया हुआ था दैट कोई बाप अपनी आ, एक बंदा है बंदा है उसकी छोटी सी बेटी है अपनी आ, बीवी को बहुत तंग करता है बंदा कहता है कोई प्लेट नहीं उठाता है छोटी छोटी बातों पर तो उसको तंज देता है ताने मारते रहते हैं तो फिर दिखाता है अब बाप अपनी बेटी के घर में गया उसकी बेटी की शादी हुई हुई है और बेटी को उसका हस्बैंड तंग कर रहा है फिर बाप फिर बाप बैठता है फिर दिखाते हैं और नेक्स्ट सीन होता है ऐड में फिर बाप रो रहा है दैट मैंने अपनी बीवी के साथ इतनी इजाति की है तो मेरी बेटी को लगता है ये नॉर्मल है दैट ये देख दैट प्यार ही ऐसा होता है दैट प्यार में दुखी दुख लाइक uh, नो like, you know, लोग कैन अब्यूज यू इट्स ओके टू बी अपसेट इन प्यार के प्यार कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो लोग ये नहीं सोचते डज इन ओनली अफेक्ट सन्स बट लड़कियों का भी होता है जब आप पूरी जिंदगी एक लड़की को दिखाओगे दैट प्यार होता है भेजती तो उसको क्या होगा वो जाके लड़के को जो लड़का उससे बदतमीजी करेगा वो सोचेगी ये तो नॉर्मल है मेरा बाप अपनी मेरी माँ के साथ ऐसा करता था तो मेरा हस्बैंड भी करेगा तो कोई बात नहीं ये नहीं सोचते मगर हमारे जो प्रॉफिट थे वो अपनी बीवी को कितना अच्छा तरीके से यू नो ही सपोर्टेड ऑल हिज वाइफ सो आगे से द बिगेस्ट एग्जाम्पल जो हम ट्रेनिंग्स देते हैं कम्यूनिटीज़ में हम बात करते हैं दर लोग जो कहते हैं दर औरत का काम है घर को संभालना अब आप आप अब जब अपनी बीवी को एजुकेट नहीं करोगे अपनी बेटियों को एजुकेट नहीं करोगे अब आप उनकी बच्चे होंगे उनके बच्चे कैसे एजुकेट करेंगे अब आप पूरा दिन आप हजरत से हस्बैंड काम पे है अब मैथ होमवर्क आ गया जब माँ अनपढ़ होगी हो अपने बच्चों को कैसे हेल्प करेगी कैसे हेल्प करेगी बच्चे बच्चों का भी हो गया ना अब द किड्स ऑल्सो हैव वन स्टेप बिहाइंड द किड्स हुज पेरेंट्स आर एजुकेटेड वाई बिकॉज उनके पासोर्स नहीं है दे कैन गो टू देर पेरेंट्स तो उनको जाके आउटसाइड रिसोर्सेज देखनी पड़ेंगी सो एकनॉमिकली ऑल ऑफ दीज थिंग्स कनेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस अफेक्ट्स नॉट ओनली द हाउस होल्ड ब द इकॉनमी बिकॉज यू आर अफेक्टिंग एवरी वन लोग सोचते हैं ये घर की बात है घर में रहने दो अपने खानदान की बात है नहीं ये जो आपके घर में हो रहा है वो अफेक्ट वाई बिकॉज अब जब कोई बच्चा देखेगा पूरी घर में उसकी येलिंग होगा मार मारपीट होगी और वेज वायलेंस होगा घर में तो स्कूल में कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा वो बच्चा सोएगा नहीं सही तरह से तो स्कूल में उसको नींद आ जाएगी वो एक अपने एग्जाम में फेल हो जाएगा वो पढ़ेगा कैसे सो सो मैनी ऑफ दिस थिंग्स आर कनेक्टेड पॉवर्टी इज अफेक्टेड बाई दीज थिंग्स बिकॉज इफ़ आप पॉवर्टी में आपकी वायलेंस है तो आप पूरी जिंदगी आपकी वायलेंस कंटिन्यू होगी बिकॉज आप साइकिल कंटिन्यू करते जाओगे बिकॉजिल समन मेक्स दट चेंज अनटिल यू नो दिस इज़ नॉट ओके और कोई आवाज निकालेगा कोई बोलेगा इन चीज़ों के खिलाफ ये कंटिन्यू होते जाएंगी बिकॉज लोग सोचेंगे ये तो नॉर्मल है हमारे ख़ानदानों में होता है एंड मैं पंजाबी हूँ मैंने इतने सालों से सुना है पंजाबी मर्द के बात की शादी शादी नहीं करना कितना ऐसा तुम तो अमेरिका में हो कोई उर्दू स्पीकिंग लड़की को ढूंढो वो ज़्यादा जेंटल होते हैं कहा क्यों कि तो पंजाबी लोग एक बार अपनी बीवियों को तरीके से नहीं रखते तो ये बात है फिर मैं अपने अपने लोगों के खिलाफ मैं क्यों स्टेजो टाइप सोचूँ It's like, लोग मुझे ऐसे बता रहे हैं दर पाकिस्तान के लोग मैं पाकिस्तान जाती हूँ कितने थे पाकिस्तान से लड़का नहीं लेना अमेरिका में लड़का ढूंढा ये नहीं सोचते दर जो हम पाकिस्तानी लोग अमेरिका में आ रहे हैं हम अपने बच्चों को वहीं तरीके से रेस कर रहे हैं ऐसे नहीं है दर सब लोग वेस्टर्न होते दर्द द आइडियालॉजी कंटिन्यूज इफ़ यू आर फ्राम पाकिस्तान आपके माँ बाप पाकिस्तान से हैं तो आपको पाकिस्तानी घर में जैसे यू कैन बी अमेरिकन आपकी लैंग्वेज यू माइट नाट नो उर्दू एज वेल मगर आपकी मैंटालिटी तो सेम होगी बिकॉज आपके घर में जो पाकिस्तान में हो रहा है वही यहाँ पे भी होता है क्यों बिकॉज कल्चर तो एक ही है दैट्स ट्रू इसमें मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हो आप इसमें आई गेस अगर हम कोर पे बात करें तो जैसे अगर हम मज़हब को चूंकि बहुत ज़्यादा हमारे कल्चर से के साथ लिंक भी है अगर हम मजहब की बात करें तो उसमें एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है अगर हम मजहब की बात करें तो मज़हब स्टार्ट ही पढ़ने से हुआ था एक वर्ड से हुआ था और वही हम हमसे दूर जाती जा रही है हम उस पर रिसर्च नहीं करते पढ़ते नहीं और अनफॉर्चुनेटली हम कुरान भी नहीं पढ़ते ठीक है अगर हम, हम मुसलमान तो कहते हैं ख़ुद को लेकिन हमने वो चीज़ें पढ़ी नहीं हुई अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि जैसे ख़ातून एक, 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 एक मर्द या एक औरत की क्या इज़्ज़त क्या है इस्लाम के अंदर और उनके राइट्स क्या हैं जैसे इस्लाम आपको प्रोटेक्ट करता है हर तरह से तो आई गेस एजुकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आ, और मुझे कभी कभी लगता है कि शायद हम जान बूझ के भी इतना ज्यादा अवेयरनेस हमने दी नहीं बहुत से सेक्टर को जैसे कुछ जगहों पे खुत को इतनी ज्यादा अवेयरनेस दी नहीं गई क्योंकि अगर अवेयरनेस होती तो मुझे लगता है कि हम एज ए सोसाइटी इस स्टेज पे आते ही नहीं।, नहीं हम शायद बहुत से पहले ही बहुत सी चीजें बेहतर कर सकते थे लाइक आई गेस कि अगर आप, आप अगर एक, एक, एक खातून को आप अवेयरनेस देते हो कि भाई आपने मार नहीं खानी आपके राइट्स हैं और आपको इस तरह से इस्लाम ने या आपके लॉज ने प्रोटेक्ट किया हुआ तो फिर बात यहां तक इतनी ख़राब हो ही ना या होती ही ना अगर हम स्टार्ट से जैसे आप, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि जैसे अब वो जैसे आपने वो स्टोरी बनाई सुनाई है विच इज़ वेरी वेरी सैड कि अगर वो एक हस्बैंड है वो मार रहा है और फिर बच्चे ने वही चीज़ सीखी और फिर वो भी चीज़ उसको आगे लेके चल रहा है अगर पहले दिन ही वो चीज को रोक लिया जाता तो शायद बात यहाँ तक आती ना और वो बच्चे का फ्यूचर भी बच जाता तो पॉइंट यह कि इसमें एजुकेशन का रोल इसलिए भी ज़्यादा है कि अगर आपके पास एजुकेशन हो स्पेशली ख़वान के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मुझे इस बात से मसला नहीं है कि ख़ातून घर में रहती हैं बाहर जाती है, है। पॉइंट यह है जहाँ भी रहती है उसकी एक इज़्ज़त है उसकी जो डिग्निटी है उसको हर्ट नहीं किया जाएगा उसकी जो देखो हमने यह कहाँ से सीख लिया कि भाई बंदे नहीं खुश रहना है बंदियों को खुश नहीं रहना उन्हें सफर करना ही प्यार है ये जो हम इस तरह की बातें सिखा देते हैं भाई हर एज एन इंडिविजुअल हर इंसान को हक है वो अपनी जिंदगी जिए और हंसी खुशी जिए मतलब इससे ज्यादा मुझे लगता है बेसिक चीजें हैं और मेरे बेसिक राइट्स में वो रिस्पेक्ट आती है मेरे बेसिक राइट्स में मेरे ओपिनियन की रिस्पेक्ट आती है अगर मेरे बेसिक राइट्स ही नहीं है मेरे पास तो फिर व्हाट्स द पॉइंट अगर आप इतना बड़ा मुल्क बनाते हो इतना बड़ा आइन है आपका और आइन अगर प्रोटेक्ट नहीं करता इन चीज़ों को इस तबके को और मुझे कभी कभी लगता है आइन बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता भी है जैसे अभी मैंने आई गेस लास्ट ईयर या एक दो साल पहले डोमेस्टिक वायलेंस का एक नया लॉ भी बना था जिसमें वेमेन को प्रोटेक्ट किया गया शायद आप बल्कि अगर आपको आइडिया हो तो उस पर भी रोशनी डालेगा मुझे याद है एक दो साल पहले लॉ बना था और मसला यह है कि बहुत सी खातन को यह बात पता ही नहीं है उन तक ये बात पहुंची ही नहीं है जैसे आप वो बड़ी मुझे अच्छी लगी है बल्कि वो इनिशिएटिव किसी तरह पाकिस्तान में लिया जा सकता है कि इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हों जो सिर्फ ख़वान को इन चीज़ों पे आ, एजुकेट करें कि भाई ये वाले इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं आप जाएं ऑनलाइन आप, आप चीज़ें सीखें या कहीं जाएं जिनमें उन्हें सिर्फ बताया जाए कि उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं और क्या क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है और क्या चीज़ नहीं बर्दाश्त करनी आई गेस वायलेंस किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसका नुकसान फिर जनरेशन को जाता है और वो वाली बात आप जो बच्चों इस बात से हंड्रेड परसेंट इतफाक करता हूं बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं और फिर बच्चे वो चीज कैरी करते हैं और फिर इसीलिए हम जैसे बच्चे फिर जाके जब हमने देखा ही है तो हम अपनी जिंदगी में करेंगे भी वो अच्छा इसमें ना एक, एक आप इस इसमें रोशनी डालिएगा ताकि मैं चाहता हूँ लोगों को अवेयरनेस हो कि यहाँ की जो एक लोकल वेमेन है जो यहाँ की लोकल है वो 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 बताइएगा उनको कितनी अवेयरनेस है इन चीज़ों के बारे में क्या वो बर्दाश्त करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस आई थिंक डिपेंड करता कम्यूनिटीज़ में आई थिंक मैं पहले मैं ये हर वक्त सोचती थी बचपन में दैट जो लोग जाहिल होते हैं उनको खाली होता है वो लोग कहते हैं ना जाह लोगों में ऐसे काम होते हैं जहे लोग अपनी बीवियों को मारते हैं अफकोर्स जहे लोग अपनी बीवियों को मारते हैं एक्चुअली लोग नहीं करते बट द रियाटी इज़ है दैट यहाँ पे मैंने नोट ज़्यादातर मेरे जो केसेज अमेरिकन बोर्न होते थे ना वो बहुत अमीर लोगों का होते थे क्यों कज़ बाकी वो जो दूसरे केसेज़ अमीर लोगों का होता था दरअमिर लोग उनसे छुपाया जाता है काम वो ये नहीं है उनके खा उनके खानदानों में नहीं हो रहा उनका आसानी से छुपाया जाता है और इतने हमने पाकिस्तान में केसेस देखे हुए हैं ना दैट लोग डिप्लोमेट्स के बच्चे कर रहे हैं ऐसे हरकतें हैं दे गेट अवे विद इट व्हाई लाइक नेशनल न्यूज़ बन जाता है फिर इंटरनेशनल न्यूज़ होता है दैट सो वॉज मर्डर्ड बिकॉज ये बंदा सोचता है दैट मैं पैसे डाल के पूरा हाइड कर लूंगा जो क्राइम है हमारा यहाँ पर होता था मै दैट इट डिपेंड्स आई थिंक कल्चर वेरीज नॉट ओनली पर्सन टू नॉट ओनली कंट्री टू कंट्री बट पर्सन टू पर्सन हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड तो मैंने ये सोचा लॉ लॉट ऑफ लोग मैंने स्टैर टाइप सुनी हुई है जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ अपनी फैमिली के पास मेरी फैमिली कहती के, है कि like, वो सनेरी उस पर आते हैं दर ओ oh, तुम तो वहाँ की हो तो तुम तो कभी ना बर्दाश्त करोगी कोई तुमसे बदतमीजी करेगा मगर ये और लोग कहते हैं ना द फ्रेज इज़ घर में शरणी बाहर बिल्ली Uh, ऐसे होता है ना अपने घर में जितना भी मैं शोर में चालू अपने भाइयों के साथ में तंग करूँ मैं लाइक like, उनके साथ ही ना टक्कर करा लाइक like, ऐसे तुम मैं नहीं ये चोर करूंगी तुम जाके करो मगर होता है ना जब बाहर होते हैं वो डिफरेंट बात होती है बिकॉज जैसे आप रेज्ड हो मिक्स वेरी डिफरेंट इंपैक्ट हाँ मैंने देखा है कुछ लोग मेरी जो दोस्तें हैं सीन पीपल आर रिलेशनशिप्स तो छोटी छोटी बात पे वो चिड़ जाते हैं लाइक कोई उनका हस्बैंड बोलेगा जाके बर्तन धो तो मैं नहीं धोंगी ये फेमिनिज्म नहीं है ठीक है तो ये एक सिनेरियो है फिर मैंने दूसरा एंड देखा है जो मैं आई थिंक माई मेरे मेरी तो अब मेरी दादी और नानी ने मुझे रेज किया है तो मेरी मैंटेलिटी तो बहुत पाकिस्तानी सी है तो कभी कभार आई फील वेरी कंजर्वेटिव और मैंने बचपन से मैंने खाना पकाना सीखे जब मैं दस साल की थी अब ये सोचो मैं मेरी कज़न से पाकिस्तान से आती हैं घर पर मेरी रुकती हैं उनको चाय बनाना नहीं आता मैं तो हर साल रोटी सब कुछ बना लेती हूँ तो इट्स फनी दैट लोग ये नहीं सोचते ये टू आंसर योर क्वेश्चन एक है देर इज एक्चुअली साइकोलॉजिकल टर्म फॉर दिस इज कॉल्ड फ्रोजन मेन्टेलिटी ऑफिन क्या हमारा होता है तो वैन आप जब पाकिस्तान या इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात करें कि पाकिस्तानी जब पाकिस्तान छोड़ते हो दैट सिर्फ सिक्सटीज़ में अब आप आओगे फ्रोजन मेटालिटी का होता है दैट आप पाकिस्तान छोड़ के आओ सिक्सटीज़ में अब आपने शादी हुई है या, आप यहाँ पे आ गए हो अब आपके बच्चे पैदा होते हैं हो, अब आप सोचते हो दैट अच्छा मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया मेरे पास यहाँ पर कोई रूट्स नहीं आई डोंट नो एनी वन इन ऑर्डर टू स्टे पाकिस्तानी आई डोंट वॉन्ट टू असिमुलेट मैंने क्या करना है मैंने अपने बच्चों को रेज करना है जैसे मैं रेज हुई हुई थी पाकिस्तान में फ्रोजन मेंटेलिटी होगी दैट टू प्रजर्व द कल्चर आप अपने बच्चों को बोलते हो आप ये नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते बिकॉज पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता अब I यू a little bit of frozen mentality upbringing मैं मैं मुझे याद आया था दट मैं माई माँ कहती थी दट यू कैट वेयर स्वीव यू कैट वेयर दिस अब बहुत होते बट वेर लाइक यू नो मिनिमल थिंग्स अच्छा जब मैं पाकिस्तान गई पहली दफ़ा आई वॉज इन कल्चर शाख अच्छा मैं तो पेंडू हूँ मेरी कज़िन ज़्यादा मॉडर्न है मैं इससे क्यों किस पाकिस्तान इज चेंज पाकिस्तान में लोग ऐसे नहीं रहेगे पीछे नहीं रहेगे दिस डिफरेंट पार्ट्स तो लोग जो जो निकल जाते हैं वो कभी कभार उनका होता है फ्रोजन मेन्टालिटी है वो सोचते हैं टू कंजर्व माई कल्चर टू प्रजर्व इट आई नीड टू एक्ट अ अर्टन वे सो नाउ लेट्स गो इन टू वायलेंस वायलेंस में ये मतलब ट्रांसलेट होता है दैट फर्ज करो आप यू आर गिन अ कल्चर इन पाकिस्तान जो औरत काम नहीं करती आपकी बेटियां काम नहीं करती आपकी बेटियां ग्रेजुएट स्कूल नहीं जाती बस बेसिक एजुकेशन करती हैं तो आप यहाँ पे आओ मैंने देखा है कुछ ख़ानदान होते हैं जो उनकी शादियां हो जाती हैं उनकी बेटियां 18 इयर्स में ठीक है अब आप पाकिस्तान जाओ दैट्स नॉट दैट काम है अब पाकिस्तान में भी लड़कियाँ ट्वेंटीज़ में थर्टीज़ में शादियाँ कर रही हैं मगर इस खानदान का मैंटालिटी है दर हम जब पाकिस्तान छोड़े थे हम ऐसे ही था अब वो बच्ची जब पाकिस्तान वापस जाती है हाँ ये पाकिस्तान तो ऐसा है नहीं जो पाकिस्तान मुझे सिखाया गया है कंप्लीटली डिफरेंट है तो ये फ्रोजन मेटेलिटी होता है दफ इन वायलेंस कंटिन्यूज हियर डिस्पाइट एजुकेशन बिकॉज वन यू लेफ्ट पाकिस्तान दैट्स वट यू टॉट पाकिस्तान वॉज एंड अदर स्पेक्ट्रम इज अब यहाँ पे होता है ओ माई गार्ड मैंने बुलिंग नहीं देखनी अपने बच्चों की आई डोंट वॉन्ट माई खेड्स टू बी फेसिंग एनी डिफिकल्टीज त मैं तो पूरे पूरे अमेरिकन बन जाऊँगी तो फिर वो मैंटैलिटी होता है सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लाइक सम पीपल टेक इट एज एन मैं अपनी बेटी को बोलूंगी दैट जब तक कोई लड़का उससे डबल नहीं कमाएगा उससे कद भी उसका लंबा होगा ये होगा तो देय टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसोनस और मैंने दोनों देखे हुए मैंने देखे हुए कुछ लोग जो कितने जब तक लड़की पाँच फुट की होगी कह जितना लुका लड़का सिक्स फुट ये नहीं होगा वो नहीं होगा डॉक्टर नहीं होगा मैंने शादी करूँगी मैं भाई बिल्कुल हर छोटी चीज़ पर घर आके बैठ जाएगी ये भी देखा हुआ है एट द सेम टाइम मैंने ये भी देखा हुआ है जो लड़कियाँ यहाँ पे पैदा हुई हुई हैं जो उनका इतनी इतनी हॉर्बल कंडीशन होगी मगर होता है, वो डर वो कहती हैं मेरे माँ बाप ने इतना सैक्रिफाइस किया मुझे अमेरिका लाइक आई एम बोर्न इन अमेरिका दे सैक्रिफाइस सो मच दैट आई डोंट वांट देम टू फील ऑर सैड ठीक है ज़्यादातर आई वुड से अमेरिकि का होता है ज़्यादातर नॉट शादियों में नहीं होता अमेरिकन बट पाकिस्तानियों का होता है डेटिंग में डेटिंग में सबसे ज़्यादा मसला होता है क्यों बिकॉज डेटिंग हमारे कहते हैं हराम है तो वो डेटिंग छुपके से करते हैं अब आप छुपके से जब डेटिंग कर रहे हो तो ये आपका होता है यू आर डबल बाइंड स्टक क्यों दो, दो ना दो एंड पे सोड है तो आपको तलवार दोनों तरीके से मिल रही है एक तलवार है आप सोच रहे हो दैट ओ माय गॉड मेरे माँ बाप को पता चलेगा दैट मैं डेटिंग कर रही हूँ तो मुझे माँ बाप डिसन कर देंगे यार अपसेट हो जाएंगे लाइक बदनामी होगी तो आप डरते हो उसके मामले में दूसरा एंड है दैट आपको वायलेंस हो रहा है तो आप ये डरते हो मैं किसी को पताऊंगी दैट मैं किसी को नहीं पताऊंगी दैट मेरे डेटिंग लाइफ में ये हो रहा है तो ये ज़्यादा एक्सकलेट हो सकता है मगर ऑफ एंड अ मैं जो देखती थी केसेस जो अमेरिकन को अफेक्ट होता था अब भी अमेरिकन टीन मुस्लिम्स जो छुपकी छुपकी डेट कर रहे हैं ना और उनका मसला होता था दैट कोई लड़का ने उसको कुछ कर दिया और वो कुछ कह नहीं सकती कि वो बदनामी से डरती है कितना मैंने मेरे माँ बाप टूट जाएंगे पूरी तरीके से और ये डरता है मैं अपने माँ बाप से इतना प्यार करती हूँ उनको पता चलेगा दैट मैंने किसी को डेट किया मेरे साथ ये हो रहा है तो वो क्या करेंगे तो ज़्यादातर मैंने अमेरिकन केसेज में ये नहीं होता था दैट कोई अमेरिका आई थिंक इट्स अ मिसकनसप्शन दैट लोग सोचते हैं दर अमेरिकन लड़कियाँ के बहुत ज़्यादा लड़के नखरे होते हैं अमेरिकन लड़कियों का ये होता है आई थिंक दैट्स असकनसेप्शन एव इट कुड बी इन पाकिस्तान इट कुड बी इन अमेरिका इट्स पर्सन टू पर्सन हाउ यू आर रेज मेक्स अ बिग इम्पैक्ट एंड टू एम्फोसाइज दैट औरतों को भी एजुकेशन चाहिए क्यों बिकॉज उन्हें अपने बच्चों को सिखाना है जब औरत एजुकेटेड होगी वो अपने बेटे को सिखा सकती है कैसी औरत को रिस्पेक्ट करो क्यों बिकॉज लोग ये सोचते नहीं हैं दैट ऑफ लोग सोचते हैं किसी के पास बहन नहीं है तो वो इसी वजह से ऐसे एक्ट करते हैं मगर माँ तो है ना if you would not want your mom to be disrespected आप अपनी बीवी को क्यों disrespect कर रहे हो मैंने ये होता है ना a lot of times आप देखते हो लोग कहते हैं that जब कोई लड़की को छेड़ते हैं रोड पर लड़की आगे से कही तुम्हारी बहन नहीं है तुम्हारी माँ नहीं है तो फिर लड़का फिर सडनली सोचता हैं हाँ ये भी बात यही है और एक दफ़ा मैंने एक सनेरियो देखा था किसी ने एक आ, आ, मुझे स्टोरी सुनाई थी दैट कोई लड़का किसी लड़की को बुरके में छेड़ रहा था तो लड़का छेड़ छेड़ा तो उस लड़की ने अपना बुरका लिफ्ट कर गया तो ये तो मेरा भाई है तो बहता इतना उसको अफसोस रहा हूँ oh मैं मैं अपनी बहन को छेड़ रहा हूँ कितनी शर्म की बात है उसको पता भी नहीं है तो उसकी बहन ने पूरा बुरका पहना हुआ है उसकी बहन डरी हुई है वो बहन के पीछे पीछे फिर रहा है उसको लाइक यू नो कैट कॉल कर रहा है ऐसे लाइक like, सोनियो ऐसे बातें बोल रहा है फिर जब लड़की मुड़के उसने देखा कहता है ये तो मेरी बहन है कितनी शर्म की बात है दस तो लड़की को पता भी नहीं था ऐसे लड़कियों को छेड़ते हैं लोग पाकिस्तान में उसको पता भी नहीं था तो उसकी बहन है फिर उसको यकीन आए मगर मैं ये बोलती हूँ क्यों क्यों हम बोले तुम्हारी बहन है एंड में मर्द को रिस्पेक्ट करना चाहिए हमने हमारे प्रोफिट ने क्या कहा था लो योर गैस देखो मत औरत को जब मस्जिद में आप औरतों को तो ऐसे नहीं देखते नमाज़ पढ़ते हो आप बाहर क्यों नहीं ऐसे काम कर सकते लोग ये नहीं सोचते एंड में द तो लोग सोचते हैं खाली रिस्पेक्ट करते हैं जो उनकी माँ होती है कहते मेरी माँ को रिस्पेक्ट करो ये नहीं सोचते दैट तो जैसे तो तुम अपनी वो आपकी जो बीवी है वो भी किसी की बहन है वो भी किसी की बेटी है तो आई थिंक एंड में इट्स नॉट ओनली वुमेन हमारे वुमेन को क्यों इंपॉर्टेंट एजुकेट करना ताकि वो बेटों को सिखाएं दैट अपनी माँ को खाली नहीं रिस्पेक्ट करो अपनी बीवी को भी रेस्पेक्ट करो अपनी बेटों को सिखाएं दर ये तरीका सही नहीं है तो एंड में अब ये क्या होगा ये साइकिल एंड होगा जब औरतें अपने बेटों को सिखाएंगे पर बेटे बाप बनेंगे वो अपने बेटों को सिखाएंगे और पूरा कंटिन्यू होगा ऐसे ख़त्म होगा एंड जैसे आपने कहा था हमारा ऑफिन होता है पॉलिटिक्स में देखो कोई औरत टेबल पे जब नहीं होगी तो लोग उसके बारे में उसके लिए कैसे आवाज़ उठाएंगे True. हमारा यहाँ पे क्या होता है अमेरिका इज परफेक्ट एग्जाम्पल अमेरिका के जो अबॉर्शन लॉज हैं लोग ये नहीं सोचते इस्लाम में अबॉर्शन है जायज़ हंड्रेड एंड ट्वेंटी um, डेज तक ठीक है अमेरिका में कभी कभार होता है तीन हफ्ते दैट्स लेस दैन इस्लाम तो इस्लाम इज मोर एम्पावरिंग बिकॉज ऑफ दिस एंड अबॉर्शन आई नो इज़ वेरी वेरी लाइक यू नो रिस्की टॉपिक टू टॉक अबाउट बट इस्लाम में ये है ना दैट औरत की से हकूक़ में है क्यों बिकॉज दैट से शीज़ फेसिंग डिफिकल्टीज़ दैट औरत फॉत हो सकती है दैर कॉम्प्लिकेशन है डिलीवरी में दैट बच्चा शायद नहीं डिलीवर हो सका एक दो केसेस मैंने देखे थे दैट टैक्सी में हुए थे दैट द बेबी वॉज गोइंग टू बी बॉर्न डेड स्टिल बेबी होगा Islam, mein you can you can have an abortion for this reason because ab ko kyun carry kar rahe ho no, like that's emotionally that's draining for your body and every emotions. Ab Texas me nah, you have to carry the baby to term, why aren't there any laws for women in Texas often? Kyun? Because koi are nhi laws मर्द बना रहे हैं अब जब मर्द को पता नहीं है औरत के ऑब्सटिकल्स क्या हैं वो कैसे well, लॉज बनाएंगे exactly. तो इसलिए वी नीड टू तो एम्पावर आर वुमेन ताकि वो भी खड़े हो मगर ये इशू होता है द इशू ऑफ औरतें डरती हैं दैट हम जब खड़े होंगे मर्द हमारे साथ ज्यादा कर सकते हैं ऐसे कितना होता है दैर अब बेनजीर बुटो को देख लो फिनल एवरीबडी लव्ड बेनजीर बुटो पर क्या हो गया अच्छा इसमें मेरे पास टाइम बहुत कम है मैं बल्कि <laughs> हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आ, मैं इससे सीख भी रहा हूँ मैं बल्कि ऐसी बातें होनी भी चाहिए पता है नॉर्मली हमारे सोसाइटी के अंदर ये टॉपिक्स टैबू हैं लोग इसको डिस्कस नहीं करते और पता है हम डरते भी हैं कि यार जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे <laughs> लोग ट्रोल करते हैं मतलब ये बात फिर उधर ही आती है कि हम लोग इतना ज़्यादा इस इन चीज़ों पर जब बात ही नहीं करेंगे तो वो उस पर आप चेंज कैसे लेके आओगे तो आई गेस इन इन कॉन्वर्सेशन को बड़ा नॉर्मल करना चाहिए ताकि लोग खुल के इस पर बात कर सकें और ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर आप अगर आप रिलीजन को भी सही से पढ़ लो तो रिलीजन ने तो बहुत ओपनली इन चीज़ों पर बात की भी है तो अनफॉर्चुनेटली हमने ये टॉपिक्स टैबू कर दिए हैं मैं बहुत डरता हूँ ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हुए क्योंकि हम सोसाइटी इस तरह की है भाई पता नहीं कौन क्या कर दे पता नहीं है तो जबकि मुझे लगता है ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल होनी चाहिए अच्छा टाइम शॉर्ट है लेकिन मुझे जाते जाते कुछ चीज़ें बताइएगा इंपॉर्टेंट बंदियों को मैं चाहता हूँ आप अवेयरनेस दें कि उनके लिए क्या क्या लॉज मौजूद हैं इन चीज़ों के बारे में जाते जाते इन शॉर्ट अगर आप मुझे बता सकें कि किस तरह से लॉज प्रोटेक्ट करते हैं उनको इस वायलेंस के अगेंस्ट आई थिंक नंबर वन जो लॉज सब लोग को पता होने चाहिए के बारे में जहेज के बारे में जहेज इज़ इलीगल Um, जहेज लोग ऐसे कहेंगे तोहफा है वो भी इलीगल है जहेज आई थिंक पाकिस्तान में आई एम सो प्राउड दैट पाकिस्तान ने अ फ्यू इयर्स बैक जहेज के बारे में लॉज शुरू कर दी थी बिकॉज ऑफिन होता था न, औरतें शादी भी नहीं करती थी या लोग बरात लेके चले जाते थे उसी दिन जहेज की वजह से um, यहाँ पे एक्चुअली वी सी अ ऑफ ऑनर खिलिंग जहेज की वजह से इन दू एस पाकिस्तान का आई कैंट खोट एग्जैक्ट लॉज मैं ये बोलूँगी बिकॉज मेरा इशू है दैट um, मैं पाकिस्तान का लॉ नहीं मैंने पढ़ा हुआ मगर आई नो दैट ऑफिन इफ यू लुक औरत जो मार्च है लोग सोचते हैं दर मैंने ये डिस्कशन अपने माँ बाप के साथ भी की थी दर कहते कितनी बुरी बात है मेरी जिसमें मेरी मर्जी मैं कहता हाँ ये स्लोगिन आई थिंक पाकिस्तान के लिए लोग थोड़ा सा लोग समझते नहीं है इस तरीके से बिकॉज जब ट्रांसलेट करे करते हैं इट्स नॉट द सेम इन इंग्लिश मगर आई थिंक एंड में जहेज के बारे में बहुत लॉज है तलाक के बारे में लोग ये बहुत डरते हैं दर तलाक आई नो एक एक टाइम पे हो गए तो तलाक व्हाट्सएप पे हो रही थी तो लोग कहते थे आ, वो कोई तलाक तीन दफ़ा तलाक व्हाट्सएप पे लोग कर देते थे फ़ौरन दिस इज़ ऑलसो नॉट थिंग मैंने एक सुना था आई हर्ड दैट सम प्रोवेंसिस डोंट ऑलवेज एक्सेप्ट वर्बल तलाक यू नीड टू राइट इट डाउन क्यों बिकॉज लोग गुस्से में कह देते थे तलाक बोल देते थे तो मुझे पता है इस लॉ के बारे में कुछ था डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आई हैव हर्ड आई हैव टू कन्फर्म मैंने फॉलो अप नहीं किया हुआ मगर मैंने सुना था दैट आजकल लॉज कुछ एरियाज़ uh, में हैं दैट इट्स नॉट जस्ट जो लड़का जो कमिट करे डोमेस्टिक वायलेंस मगर पूरा खानदान जेल में जा सकता है क्यों बिकॉज देर आर ऑल इनेबलिंग एट बिकॉज आप जब कोई किसी को प्रोवोक करे रहे होगे ना आपका इतना उतना ही गुना है जितना जो कर रहा है काम क्यों बिकॉज आपने उसके दिमाग में डाला है ऐसी हरकत करने का तो होता ना जबान भी अलमिया उसका भी देखेगा जुबान क्या बोल रही है तो आईव हर्ड दैट ज़्यादातर से अमेरिकन लॉज मुझे ज़्यादा अवेयरनेस है तो अमेरिकन लॉज में है दैट यू कैन डू दिस थिंग्स हमारा पाकिस्तान में आई नो अभी um, जब होता है मैंने आजकल देखे औरतों का हकूक के लिए uh, बहुत लोग कह रहे हैं दैट इज़ अ लॉर ऑफ होता कोई कॉल करके बोले दैट मेरा हस्बैंड मुझे माना द वन थिंग आई डू लाइक इज़ दैट पुलिस ऑफिसर्स औरतें भी हैं जो चेक करके आपको साइड पे लेके बात करेंगी आपके साथ आपको रिमाइंड करेंगी तो जिनको पता भी नहीं है लॉस के बारे में आई थिंक दिस इज नाइट दैट आपको याद रखना चाहिए दैट नॉट ऑल ऑफिसर्स और मेल आई थिंक मसला होता है दट लोग फ़ोन भी नहीं करते पुलिस को बिकॉज वो सोचते हैं दैट अच्छा मर्द हैं तो मर्द मुझे सीरियस नहीं लेंगे वो भी फीमेल ऑफिसर से भी बात करना उन कर सकते हैं एंड दैट्स वन थिंग दैट मैंने सीखा था दैट मुझे बताया गया था हर दफ़ा किसी को बोलो औरत से बात करो औरत से बात करो बिकॉज वो ज़्यादा आसान होता है उनको समझ आती है um, ऐसे इशारों में इस समझ आ जाएगी क्या क्या हो रहा है बट ज़्यादातर आई वुड से दैट आई डोंट नो द नेम ऑफ लॉज आई जस्ट नो दैट पाकिस्तान में बहुत शादियों का भी लॉज हो गया दै फोर्स मैरिज की भी लॉज हो गया दैट एज लिमिट होगी है और होना चाहिए दैट लाइक इस्लाम में भी है दैट यू हैव द राइट टू से कबूल है तो इट्स नॉट दैट आपको फोर्स होना चाहिए इससे तो तीन दफ़ा बोलते हैं टू मेक श्योर दैट आपके हक में है क्यों तीन दफ़ा बोलते ये नहीं ताकि आप जो आपका होता है फोर्स के उम में एक तीन दफ़ा बोलते ताकि आप सोच सकते हो एक दफ़ा नहीं मैं बोल रही तो आपकी मायना चेंज हो जाए तीन दफ़ा आगे। आगे। बोल रहे हो अच्छा मेरे पास टाइम खत्म हो चुका है <laughs> और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट <laughs> है मुझे लगता है हमें इस पर दोबारा एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा जाते जाते एक छोटा सा मैसेज आप अगर आजकल के बच्चों को दे दें स्पेशली फॉर वूमेन आई थिंक आम वुमेन का है दैट अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करो आई थिंक द नंबर वन थिंग जो बच्चों का है इज़ दैट ऑफिन हम देखते हैं हमारे माए चुपचाप हैं सो हम सोचते हैं हमारी माँ पावरलेस है हमारी माँ वीक है ये मैं बोलती हूँ दैट नहीं औरत रिजिलियट होती है इवन इफ़ कोई चुपचाप है डज इन मीन दैट उसके पास कुछ हो रहा नहीं है और फिर आपकी हमने जैसे बात की है अंदर और ही अंदर होता है तो आई वुड से दैट वी नीड टू टेक टाइम टू लर्न फ्रॉम आयर मदर्स हमारा सबसे ज़्यादा ये मसला है दैट पीपो डोंट apri maki ba for fora namara generation patada ga that hamma me kiachaye magariini sochte dahamara mabab kibi have wishes that they might have not been able to speak up about so i think that my number one message is always listen to your ancestors and the people before you not only just like when it comes to you know education that bad uh, that is your mom happy is your dad happy how can i support them maybe they're not getting the therapy and support that they need एंड इसलिए दे एक्ट द दे वेर एथ दिन हुई खड़द माओफिन कहते हैं हमारे माँ बाप को कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हमारी वो Is, is, is generation mein that wo kabhi nah, ye baat hai. it says that maybe they didn't have the resources and to go by that by that, maa, baap ka tha that a lot of them couldn't cry in front of their parents wo khushi, khushi unko tha because unki relationship so thi. i think kamari generation needs to break that cycle and we need to have better relationships with our parents to understand them so we can make sure we don't make those mistakes going forward थैंक यू बहुत अच्छा मैसेज था मुझे उम्मीद है कि ये जो मैसेज है ये आप लोग इस पर सीखेंगे भी और इससे सीखने की कोशिश करेंगे और मेरी तरफ से बहुत इम्पॉटेंट मैसेज आज का ये है कि अपनी जितनी घर की खातन है मेरी मालदा है मेरी बहन है मेरे घर के आसपास जितनी ख़ातान है मैं उनको सपोर्ट हमें करना चाहिए अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करते मुझे लगता है सोसाइटी की बैकबोन है ख़ौन अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करेंगी तो जो फिर आपकी आने वाली जनरेशन है वो भी वीक जनरेशन पैदा होगी क्योंकि अब एक वालदा का बहुत जैसे मेरी परवरिश में मेरी वालदा का बहुत हाथ है बच्चों के लिए जो नर्चर करने में वालदा का बहुत अहम रोल होता है तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी खातीन को सपोर्ट करें और मेरी पेरेंट्स के लिए एक बहुत अहम गुजारिश यह है कि जितनी आपकी बेटी को जरूरत है आपसे आपकी शादी से पहले आई गेस उससे ज्यादा शादी के बाद जरूरत है उसको जरूर सपोर्ट किया करें क्योंकि अक्सर उसके साथ बहुत सा जुल्म होता है शादी के बाद लेकिन पेरेंट्स चूँकि कहते हैं जी वो चलेगी है तो चलेगी है और फिर उस तरह से उसे सपोर्ट नहीं मिलता तो वो फिर वहाँ जितना जुल्म होता है वो बर्दाश्त करती है उस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए ये किसी भी जगह पर यह सही नहीं है ना आप रिल के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग वो जुल्म ठीक नहीं है तो इस पर हमें काम करना चाहिए और आ, हमारा हलता बुलता नेशन तब भी होगा जब हमारा वो जो सेक्टर है वो हमारे साथ चले ताकि हमारा एज ए नेशन हम ग्रो कर सकें थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एक thank बार फिर yeah, से you. और दूसरा मैंने आपसे उर्दू उर्दू बुलवाई है थ्रू आउट <laughs> उसके लिए बहुत शुक्रिया आपने मनाने <laughs> की और आपने बिल्कुल ठोस उर्दू बोली करता <laughs> और थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच थैंक यू गायस और हाँ इसको काइंडली uh, जो भी आपके कोई सवाल वगैरह हुए जरूर कॉमेंट कीजिएगा मैं इसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और वही आपको पता है सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि इस तरह का कॉन्टेंट बनता रहे थैंक यू सो मच गायज